बिहार में जहरीली शराब से होने वाली मौतों पर शुरू हुआ सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे पर नीतीश सरकार की घेराबंदी तेज हो गई है। बिहार में जहरीली शराब से होने वाली मौतों पर नीतीश सरकार घिरती जा रही है। एक और बीजेपी हमलावर है, वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान ने भी सूबे की सरकार पर जबरदस्त जुबानी हमला बोला है। और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार हादसे की जांच मानवाधिकार आयोग, बाल श्रम आयोग और महिला कल्याण आयोग को करनी चाहिए। हमारी मांग है भारत सरकार का मानवाधिकार आयोग अपनी टीम भेजे, बाल श्रम आयोग अपनी टीम भेजे, महिला कल्याण आयोग अपनी टीम भेजे, वो पूरी जांच करे, जांच करके सभा पटल पर रिपोर्ट रखी जाए और साथ ही जो मरे हैं उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, ये हमारी मांग है। अगर वहाँ की राज्य सरकार खामोश है और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी वही हैं, अगर उसके बाद अगर वो खामोश रहते हैं तो कहीं ना कहीं एक मौन समर्थन ऐसे असामाजिक तत्वों को, ऐसे आपराधिक लोगों को मिलता है जिनकी संरक्षण में ये धंधा और फल फूल रहा है।